Good morning, dear students. Once again, I am here to solve question from lesson number 12 on the desert for class 4 from Viva Real English. Today, I will do solve section B, sounds and pronunciation. First of all, see B1. What is saying here? B1 saying that read the following words aloud. Listen to the nasal sounds they contain. Then write them in the correct row in the table below. देखिए हम लोग अभी क्लास 4 का जो कि वाइवा का रियल इंग्लिश है उसका लेसन 12 का हम लोग बी सेक्शन कर रहे हैं जो कि साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन है. इसका B1 हम लोग करेंगे. इसमें ये कहा जा रहा है कि ये वर्ड्स है उसे जोर जोर से पढ़े. वर्ड है आपका मदर, ड्रिंक, नोकिंग, रन, कलम, एंगर, सिंगिंग, मॉर्निंग, प्लांट, ऑटम, राउंड, माउंट, माइक्रोफोन, रिंग, मैनर, नाइन. ये सारे वर्ड है. इसमें आप देखेंगे कि कौन सा वन नसल साउंड का वर्ड है और कौन सा टू नसल साउंड का वर्ड्स है. जैसे देखिए हम उंगली डालते हैं तो इसमें नाक से साउंड निकलता है, आपको उंगली में हवा मालूम पड़ेगा. अगर सिंगल नाक से निकल रहा है तो वन नसल साउंड हुआ, अगर दोनों नाक से साउंड निकल रहा है तो टू नसल साउंड्स वर्ड हुआ. दूसरी चीज के एक बार अगर एक बार हवा से नाक से निकलता है साउंड तो वन नसल साउंड्स हुआ, अगर दो बार निकलता है तो वो टू नसल साउंड्स वर्ड्स हुए. तो इसमें देखिए वर्ड्स है, पहला जैसा हमने पढ़ा मदर, मदर मदर में देखेंगे एक बार सिर्फ नाक से निकलता है तो ये क्या है, वन नसल साउंड्स वर्ड्स है. तो इसको हम यहां लिखेंगे वर्ड्स विद वन नसल साउंड्स में यहां हम मदर लिखेंगे. उसके बाद देखेंगे उसके बाद वर्ड है ड्रिंक, ड्रिंक इसको ध्यान दीजिए ड्रिंक इसमें भी वन नजल साउंड आ रहा है तो ये भी जो है ड्रिंक भी वन नजल साउंड वाले वर्ड्स कॉलम में होगा ड्रिंक. उसके बाद देखेंगे नोकिंग, नोकिंग नो और किंग दो बार साउंड निकल रहा है नजल से, नाक से दो बार साउंड निकल रहा है तो ये आपका टू नजल साउंड्स वर्ड्स हो गए. इसको हम यहां लिखेंगे के एन ओ सी के आई एन जी नोकिंग, ये आपका टू नजल साउंड्स वर्ड्स होगा. उसके बाद है रन, सिंगल आ रहा है तो ये किसमें आ जाएगा रन. उसके बाद देखें कॉलम, कॉलम कॉलम एक बार आ रहा है ठीक है तो ये भी आपका कॉलम वन नजल साउंड्स होगा C-O-L-U-M-N कॉलम. उसके बाद है वर्ड एंगर, एंगर ये सिंगल टाइम आ रहा है तो ये भी वन नजर साउंड होगा एंगर. उसके बाद है सिंगिंग, सिंगिंग दो बार आ रहा है, देखेंगे दो बार आपका नजर से दो बार साउंड आ रहा है सिंग और गिंग तो इसे हम टू नजर साउंड वर्ड्स में लिखेंगे सिंगिंग, सिंगिंग. उसके बाद आगे वर्ड है मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग सिर्फ मॉर्निंग आ रहा है ना तो ये आपका वन नजल साउंड्स में होगा मॉर्निंग. उसके बाद देखें वर्ड है प्लांट, प्लांट सिंगल टाइम आ रहा है तो ये भी आपका वन नजल साउंड्स होगा, यहां हम लिखेंगे वन नजर साउंड्स में प्लांट. उसके बाद है प्लांट के बाद ऑटम, ऑटम ऑटम वन साउंड आ रहा है ए यू टी यू एम एन ऑटम इसमें हम लिखेंगे. उसके बाद वर्ड है राउंड, राउंड ये भी आपका सिंगल टाइम आ रहा है तो इसे भी यहां लिखेंगे राउंड में. उसके बाद है वर्ड माउंट, माउंट माउंट सिंगल टाइम आ रहा है
इसे भी हम यहां लिखेंगे M O U N T माउंट। उसके बाद है आपका माइक्रोफोन, फिर आगे देखें क्या है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन सिंग माइक्रोफोन ये कहीं नहीं होगा, रिंग ये भी सिंगल साउंड है R I N G रिंग। उसके बाद है आपका वर्ड मैनर ये भी आपका मैनर, ये मैनर आपका इसमें आएगा डबल साउंड में मैनर। उसके बाद आपका है नाइन, ये आपका वन नजर साउंड में आ जाएगा नाइन। तो ये आपका हो गया बी वन। उसके बाद बी टू है, इसमें कहा जाए रिप्लेस वन और टू लेटर्स ईच इन द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स कंटेनिंग नजल साउंड्स। इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें का एक या दो लेटर को आप रिप्लेस कर दें, हटा दें और कोई दूसरा लेटर देकर के नया वर्ड बनाए। तो देखिए पहला है क्या है, पेट। इसको हम नजल साउंड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एन लगा देते हैं, नेट एन ई टी नेट पी को हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद सेकंड है रोज, हमें नजल साउंड बनाना है, आर को हम रिप्लेस करके एन लगा देते हैं नोज। उसके बाद थर्ड में देखिए ब्रिक्स, इसको हम क्या करते हैं सी के को हटा देते हैं और एन जी लगा देते हैं, हो जाएगा ब्रिंग, बी आर आई एन जी ब्रिंग। हमने क्या क्या, ब्रिक का सी के को रिप्लेस कर दिया एन जी में। उसके बाद फोर्थ है रिस्ट, को हम रिस्ट उसके बाद ये रिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे स्ट्रिंग, हम इसमें ऐसा करते हैं डब्लू को रहने देते हैं आर को और लास्ट में एस टी को हम रिप्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा विंग, डब्लू आई एन जी विंग। हमने क्या किया, एस टी को हमने रिप्लेस कर दिया और आर को भी रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया विंग। उसके बाद फोर्थ है डे, फोर्थ है डे, तो डे को डी को हम रिप्लेस करके एम लगा देंगे, क्या हो जाएगा मे। उसके बाद सिक्स्थ है सुपर को हम क्या करेंगे, डबल पी को डबल एम में रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डबल पी को हमने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह डबल एम लगा दिया, ये क्या हो गया समर हो गया। ठीक है, तो ये आपका बी वन और बी टू का हमने क्वेश्चन को आज सॉल्व किया है। बी थ्री को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा और ये आपको आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।